नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 21 राजस्थान का दैनिक शो, नागौर का नंबर वन शो, नागौर हेडलाइंस। इस नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि नागौर जिले की समस्त तहसीलों की खबरों के साथ साथ आपके लिए जरूरी प्रादेशिक, राष्ट्रीय और मौसम की खबरें रोज लेकर आए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 21 राजस्थान और नागौर हेडलाइंस में। जायल में जैविक दवा छिड़काव से फसल नष्ट होने का आरोप लगाते हुए कल काश्तकारों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग। पूर्व प्रधान रिद्धकरण लोमरोड व सरपंच जगदीश कड़वासरा के नेतृत्व में पीड़ित काश्तकारों ने उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी को ज्ञापन देकर दोषी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पीड़ित काश्तकारों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने का किया आग्रह। काश्तकारों ने बताया कि नेटसर्प नामक कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें खेत में बोई फसल कपास की फसल को मौके पर देखकर जैविक दवा छिड़काव करने पर फसल की बढ़ोतरी होने तथा नुकसान नहीं होने की लिखित गारंटी देकर छिड़काव करने का दिया था प्रलोभन। काश्तकार मुन्नाराम रेवाड़ ने बताया कि पीड़ित काश्तकारों ने कंपनी के बिल, ऑनलाइन भुगतान रसीद व कंपनी प्रतिनिधियों के साथ समझौता हस्ताक्षर पत्र भी एसडीएम के सामने किए हैं प्रस्तुत। और यूं दुगुनी पैदावार हुई इन वास्ते मांगो तो ये कहना है कि कंपनी है जो किसान का नुकसान हुआ बिंको अर्जनो पूरा कंपनी दीवाल है और कंपनी खुद आपको एग्रीमेंट करियो पहले लिखित में जो किसान नागन बिल दिया पक्का सगड़ो। वहीं पूर्व प्रधान रिद्धकरण लोमरोड ने कहा कि विषम परिस्थितियों में कंपनी द्वारा काश्तकारों के साथ की गई है धोखाधड़ी, इसके खिलाफ सख्त से सख्त होनी चाहिए कार्रवाई। पूरे की पूरी खेत में फसल नष्ट हो गई, जता भी छिड़की तकांगे एक दो है तो गुआर भी छिड़काई तो गुआर भी नष्ट हो गया है। और कृषि अधिकारियों ने भी मां को कहना है कि मौके पर आज जांच करें। आज फिर जिले भर में चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। मिशन अगेंस्ट कोरोना के तहत नागौर की स्वास्थ्य टीम ने बीते 4 सितंबर को 1,22,424 को टीकाकरण करने में सफलता हासिल कर प्रदेश में मिसाल कायम करते हुए बनाया था रिकॉर्ड। अब उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की चल रही है तैयारी। कल आयोजित हुई बैठक में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला कलेक्टर ने कहा कि महाअभियान को हर हाल में सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी समय पर करनी है। शहरों से लेकर गांवों तक चलने वाले इस अभियान में 1100 टीमों द्वारा 2,00,000 लोगों को टीकाकरण करने का रखा गया है लक्ष्य। जिला मुख्यालय सहित मेड़ता रोड, टेगाना व कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर भी ट्रांजिट वैक्सीनेशन बूथ लगाने के दिए गए हैं आदेश। कोरोना काल के दौरान हो रही बिजली की चोरी को लेकर अजमेर डिस्कॉम द्वारा नागौर में चल रही है बड़ी कार्रवाई। जिले में ज्यादा छिजत के बाद अब एक बार फिर मंगलवार तड़के से ही कार्रवाई शुरू करते हुए विभाग ने मुंडवा और क्यूसर क्षेत्र में 9 जगहों पर बिजली चोरी पकड़कर करीब 4,68,000 रुपए का वसूला है जुर्माना तथा कार्रवाई के दौरान 9 अवैध ट्रांसफॉर्मर भी किए हैं जब्त। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी के निर्देशन में नागौर एसईआरबी सिंह सहित अन्य डिस्कॉम के अधिकारी निकले हैं फील्ड में। जानकारी के अनुसार नागौर में 28% है छिजत, जिसके चलते बिजली चोरी के कई और मामले खुलने के भी हैं अंदेशा। प्रदेश के 33 जिलों के लगभग 2000 परीक्षा केंद्रों पर आज 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी पीटीईटी प्रवेश परीक्षा। परीक्षा समन्वयक डॉ. जेपी सिंह ने बताया कि 1,50,000 सीटों पर प्रवेश हेतु करीब 6,00,000 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल, जिन्हें 1,445 महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा परीक्षार्थियों को आज राजस्थान रोडवेज में भी निःशुल्क यात्रा की दी गई है सौगात। जिले में बढ़ते नशे के कारोबार के विरोध में लोग उतरे सड़कों पर, पुलिस अधिकारियों की तस्करों से सांठ गांठ का भी लगाया आरोप।
विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कल जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तस्करों से संलिप्तता वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और सजा की मांग कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। प्रदेश में एक और मादक पदार्थों की तस्करी में तेजी से हो रही है वृद्धि तथा आपूर्ति करने वाले पेडलर युवाओं को तेजी से डाल रहे हैं नशे की आदत, जिसके चलते कम उम्र में बच्चों से लेकर युवाओं तक इसमें एक अफीम एमडी जैसे नशों की वजह से हो रही है नस्ल की बर्बादी। इसे लेकर शहरों व गांवों में आमजन है चिंतित। ऐसे में सामाजिक संगठनों ने आने वाली पीढ़ी को नशे की लत से बचाने की प्रशासन से की है मांग। रियाबड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्ष एवं संसाधनों के विकास कार्यों के लिए भामाशाहें आगे। विभिन्न भामाशाहों ने प्राचार्य को दिए करीब 1,06,000 रुपये। इसके लिए प्राचार्य ने सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए सराहनीय योगदान से विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षण कार्य उपलब्ध होने की कही बात। भामाशाह गुलाब चंद रुणवाल द्वारा 31,000, उमराव सिंह व लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित द्वारा 21,000, ठाकुर कान सिंह व ठाकुर हनुमान सिंह के साथ साथ नेमीचंद राजपुरोहित द्वारा विद्यालय विकास के लिए दिए गए 11,000 रुपये। जायल तहसील के बड़ी खाटू कस्बे में कल मंगलवार को थाना परिसर में आयोजित हुआ जन सुनवाई कार्यक्रम, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार नेहरा, वृत्ताधिकारी रामेश्वर लाल जाट व थानाधिकारी राजकुमार ने सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षक, अन्य ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम सखी, सरपंच व दुकानदारों की बैठक लेते हुए क्षेत्र में आयोजित होने वाले सार्वजनिक मेलों, त्योहारों, जुलूस, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह में भीड़ एकत्र नहीं होने देने के प्रयास में सहयोग की अपील। जन सुनवाई के दौरान एएसपी व वृत्ताधिकारी ने कस्बे के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने तथा आमजन को परेशानी होने पर बेहिचक थाने में आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किया प्रेरित। उन्होंने कहा कि सीधा संवाद कर राहत प्रदान करने का किया जाएगा प्रयास। जिले की शिक्षा नगरी कुचामन सिटी के जागरूक नागरिकों द्वारा लगातार पत्र व्यवहार एवं कॉल के माध्यम से रेलवे को की जा रही मांग को लेकर जोधपुर डिवीजन ने कुचामन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोच डिस्प्ले व कोच गाइडेंस सिस्टम लगाने हेतु टेंडर किया जारी। जल्द ही स्टेशन पर लगेंगे कोच डिस्प्ले, जिससे यात्रियों को कोच ढूंढने में नहीं होगी परेशानी। छोटी खाटू कस्बे में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए पोषण ऐप के प्रशिक्षण के शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें पर्यवेक्षक सरोज बाला व कॉमन सर्विस सेंटर संचालक जितेंद्र चौहान ने प्रशिक्षण देते हुए विस्तार से दी जानकारी। वहीं कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर में स्थित गोगाजी महाराज के स्थान पर नवल परिवार ने भामाशाह के तौर पर टीन सेट का करवाया निर्माण। स्टाम्प पेपर की कालाबाजारी के चलते स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार कर आमजन को दी राहत। अब 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का स्टाम्प आमजन खुद डाउनलोड कर सकेंगे प्रिंट। योजना इसी माह से हो सकती है लागू। जनवरी 2021 से ई स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बाद स्टाम्प की छपाई हो गई थी बंद। ऐसे में 10, 20, 50 और 100 रुपये के स्टाम्प पर हो रही थी कालाबाजारी। स्टाम्प पर 5 गुना तक वसूला जा रहा था वेंडरों द्वारा मूल्य। बैंक में स्टाम्प राशि का चालान जमा कराने के लिए भी लगानी पड़ती थी लाइन। इसके चलते इसके बाद कोषागार के चक्कर काटने के बाद दूसरे या तीसरे दिन मिलता था स्टाम्प। इस झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए सेल्फ स्टाम्प सेवा होगी शुरू। जन सुविधा केंद्र या इंटरनेट केंद्र पर कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान कर सकेगा तत्काल डाउनलोड और प्रिंट। तो ये था आज का अंक का नागौर हेडलाइंस। इस तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते रहेंगे। आप अपना प्यार और समर्थन यूं ही बनाए रखिए। यदि आप अपने क्षेत्र से किसी खबर को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है न्यूज 21 राजस्थान।
नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।